हेलो एंड वेलकम टू रुक्सास किचन। आज हम बनाएंगे मिक्स वेज पुलाव। ये एक सिंपल और इजी रेसिपी है जो हम हर वेजिटेरियन फंक्शन में इसको ज़रूर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने गरम मसाले लिए हैं। तो यहाँ पर 2 तेजपत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और आधा टीस्पून शाहजीरा लिया है मैंने, और उसके साथ 1 मीडियम साइज की प्याज और 2 हरी मिर्च कटे हुए। सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है 1 मीडियम साइज का आलू और 2 गाजर। इन दोनों को मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है और थोड़े से फूल गोभी और आधा कप मटर और बीन्स लिए यहाँ पर मैंने 10। इसको भी मैंने 1 इंच के टुकड़ों में कट कर लिया है। तो सारे वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से धोकर उसको पानी निकाल लिया है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा काजू और पनीर भी ऐड कर सकते हैं। बासमती चावल लिए हैं मैंने यहाँ पर 1 ग्लास, जिसको मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था। तो अब हम एक पैन को गर्म करेंगे, फिर इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से पुलाव ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जैसे ही हल्का सा घी पिघल जाए तब हम इसमें डालेंगे गर्म मसाले, और गरम मसाले को हम हल्का सा यानी 30 सेकेंड के लिए इसको हम पका लेंगे। तो 30 सेकेंड होने के बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे और प्याज को हमें मुरझाने तक इसको हमें सौटे करना है। प्याज को हमें सिर्फ मुरझाने तक ही पकाना है। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे तो जब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी भी ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो पुलाव सफ़ेद नहीं बनेगा। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे सारे और इसको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम इसको चलाते हुए 1 मिनट तक फिर से भून लेंगे ताकि इसका रॉ स्मेल चले जाए। तो 1 मिनट भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे चावल। तो चावल को मैंने स्टेडर में रख दिया था ताकि पूरा पानी निथर जाए। तो चावल डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर चलाते हुए पका लेंगे। इससे चावल आपके अच्छे से खिले खिले बनेंगे। तो इसमें हम साथ में डाल देंगे नमक। तो यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो जिस ग्लास से मैंने चावल को नापा था उसी ग्लास से यहाँ पर मैंने पानी डाला है। तो मैंने चावल 1 ग्लास लिया है, तो पानी यहाँ पर मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे, यानी पानी को बॉईल होने तक इसको हम पका लेंगे हाई फ्लेम पर। तो पानी बॉईल होना शुरू हो चुका है। अब हम 2 से 3 मिनट और इसको हाई फ्लेम पर पानी सूखने तक इसको पका। तो 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी थोड़ा सा सूख गया है और चावल भी आधे पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम चावल को दम पे रखेंगे। तो टोटल हमें 7 मिनट तक इसको दम पे रखेंगे। तो पहले हम 3 मिनट तक इसको हम लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर पका लेंगे। तो 3 मिनट के बाद इसके ढक्कन को हटाकर हम इसको चला लेंगे, यानी नीचे के चावल थोड़ा सा ऊपर इस तरह से कर लेंगे और फिर से इसको ढक्कन लगाकर 4 मिनट तक के लिए दम पर रखेंगे लो फ्लेम पर। तो टोटल 7 मिनट दम पर रखने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसी तरह से ढक्कन लगाकर हम 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद अब इसके ढक्कन को हटा लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल चावल अच्छे से दम हो चुके हैं और बिल्कुल ये खुले खुले पके हैं। तो वेज पुलाव खाने के लिए तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट या सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो लीजिए, टेस्टी वेज पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। आप इसको रायता या कोई कोरमे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आलू कोरमा या मिक्स वेजिटेबल कोरमा चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट में जो वीडियो दिखेंगे उस पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग रुक्सास किचन।